लोग तो गालियां दे रहे थे, पूरे देश में कुछ विपक्ष के लोग, अगर मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया तो भी गाली पहले देती, अगर बाद में लगाते तो भी गाली, किसी ने लगाया नहीं, कुछ लोगों ने कसम खाया। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के नवादा गांव में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। विपक्ष पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना समय में विपक्ष आरोप लगाते थे, भारत के पास कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन की कमी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न सिर्फ संसाधन मुहैया कराया गया बल्कि विदेशों में संसाधन निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष टीका को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है और उसे मोदी का टीका बताया। विपक्ष के नेता कोरोना का टीका बंद कमरे में ले लेंगे और बाहर किसान मजदूर और गरीबों के बीच भ्रम फैलाने का काम किया। गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों को याद दिलाने का काम करें। पीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गण की रिपोर्ट। लोग तो गालियां दे रहे थे, पूरे देश में कुछ विपक्ष के लोग, अगर मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया तो भी गाली पहले देती, अगर बाद में लगाते तो भी गाली, किसी ने लगाया नहीं, कुछ लोगों ने कसम खाया है केवल गाली देने का। मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, जिस देश में एक टेस्टिंग यूनिट हो, आज 2000 लैब हो गया हो, जिस देश में वेंटिलेटर बाहर से आता हो, जिस देश में पीपीई किट बाहर से आता हो, N95 मास्क बाहर से आता हो, आप कल्पना करें वो भारत, वो देश आखिर आत्मनिर्भर भारत के रूप में कैसे हो पाता। वो भारत आत्मनिर्भर भारत इसलिए हो पाया कि प्रधान बैठो ना गिरिराज के आखा बैठे भी घुस भी बैठो ना, आज वो भारत पूरे दुनिया को दिखा दिया मोदी ने मैनेजमेंट करके कि आज हम 5 करोड़ प्रति वर्ष पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जरा ताली तो बजाइए मोदी के नाम पर। आपके पास पीपीई किट नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, पूरे दुनिया को मोदी ने दिखा दिया कि संसाधन कम रहते हुए भी आत्मनिर्भर भारत का ध्वजा पूरे दुनिया में कैसे फहराने का काम करता है। आज टीकाकरण हो रहा है, जब टीका आया विपक्ष ने कहा अरे ये टीका तो भाजपा वाला का है, हम नहीं लगाएंगे, और चोरी चोरी सब लगा रहा है, चोरी चोरी सा गरीब को, किसान को, मजदूर को, सबको भड़का रहा है। आज आपको जान के खुशी होगी 80 से ऊपर देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का काम भारत कर रहा है, भारत कर रहा है। आज 3 करोड़ से ऊपर पूरे दुनिया में, एक तरफ पूरी दुनिया यूरोप, एक तरफ भारत का वैक्सीनेशन, आज बिहार के अंदर वैक्सीनेशन, आज बेगूसराय के अंदर वैक्सीनेशन। आपसे आग्रह होगा कि जहां भी वैक्सीनेशन हो, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जैसे चुनाव के समय टेबल कुर्सी लगा करके लोगों को मदद करते हैं, वैसे बुजुर्गों को जो इसमें लेने वाले हैं टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन, उनको कराने का काम करें। आज देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 से अश्वमेध का घोड़ा जीत का जिस ढंग से चल रहा है, शायद हमारे दिमाग में भी वो आंकड़े नहीं है।
मैं आपके सामने आग्रह करूंगा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में 5 वो वार्ड जीता आप 56 इंची कि आज राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, जो लोकल बडीज है जिसे पंचायत चुनाव कहते हैं, 4,300 टोटल सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें भाजपा 1,990 सीट जीत।